जैन धाम बनेगा जिसके द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य कांग्रेस की दो मुही नीति पर। पहले जिन बिपिन रावत जी को सड़क का कहते थे, अब उनके कटआउट लगा के घूम रहे हैं। ताकि पराकाष्ठा है ये, हम के अस्तित्व कोई नकारते थे। अब राम राम जप रहे हैं, राहुल गांधी जी त्रिपुंड लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, प्रियंका जी गंगा स्नान कर रही है, और मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अजीब हालत हो गई है कांग्रेस की, कहती कुछ है करती कुछ है। यहां चर्चा कर रही है चार धाम चार काम की, और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस को और किसी विरोधी की जरूरत ही नहीं है, सारा काम वो ही कर देते हैं। अच्छी खासी पंजाब में चलती सरकार का जो बंटा ढार किया है, कांग्रेस आज नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। दिल्ली में भी उनका G24 ग्रुप अलग बना हुआ है, जो खुल के असहमति प्रकट करता है, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का नेता है कौन? भारतीय जनता पार्टी के तो सर्वोच्च नेता हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैन ऑफ आइडियाज, सुपर ह्यूमन है। महर्षि अरविंद जी ने जिस अति मानव की कल्पना की थी, अनंत शक्तियों के भंडार है और दसों दिशाओं में देश का विकास कर रहे हैं। एक ही उदाहरण काफी है, मार्च 2020 में कोविड आया, अप्रैल में टास्क फोर्स बनी वैक्सीन के निर्माण के लिए, और उसी साल स्वदेशी वैक्सीन बन भी गई। हमारा ही देश है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई। ये कांग्रेस के लोग तो वैक्सीन के बारे में भी बहकाते थे जनता को, मत लगवाओ मोदी वैक्सीन है मारे जाओगे, और बाद में खुद भी लगवाया है। तो कांग्रेस की सरकारों में कभी ऐसी वैक्सीन बनी है महामारी के खिलाफ? मांगते रहते थे हम दुनिया के देशों से। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं वो काम गिनाना नहीं चाहता क्योंकि आप साक्षी हैं, आपके सामने है। चार धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, कभी कांग्रेस की सरकारों में कल्पना की जा सकती थी? हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी
मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमारा दृष्टि पत्र भी वो दूर दृष्टि पत्र है जिसने 5 साल का रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया है, विकास का और जन कल्याण का। लेकिन कांग्रेस का नेता कौन है? अब मुझे तो आश्चर्य, मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री हूं और 10 चुनाव में लड़ा हूं और हमने तो सभी जीते और एक ही क्षेत्र से लड़ता हूं, अपना क्षेत्र कभी नहीं छोड़ा मैं। हरीश जिनको हरदा ज्यादा के हरदा लोग कहते हैं, मैं जहां जाता हूं कहते हरदा है वो, तो और मैंने जब रिकॉर्ड देखा तो उनके तो हार के रिकॉर्ड बने हुए हैं। 5-5 बार जो लोकसभा हारे हों, 2 जगह से विधानसभा हार गए हों और उनकी टांग तो उनके नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, किसी बैठक में कांग्रेस की कह दो मुख्यमंत्री जी तो 25 एक खड़े हो जाते हैं नमस्कार। कांग्रेस केकड़ा पार्टी बन गई है, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचो। और भ्रष्टाचार की बात करने का तो कांग्रेस को हक ही नहीं है। हरीश रावत जी कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार बचा लो, 25-30 जो कमाना हो कमाओ, जो पार्टी ये बोलती हो उससे उत्तराखंड के विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं 4 दिन से उत्तराखंड में हूं, पहाड़ों पर भी मैं गया हूं, आज भी मेरे 3 कार्यक्रम हैं। मैं चारों तरफ देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अब लहर बह रही है उत्तराखंड में और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय का नया रिकॉर्ड बनाएगी। शानदार सफलता प्राप्त करेगी। मोदी और धामी जी की, मोदी जी की सरकार, धामी जी राज्य सरकार को लीड कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, जनता उन कामों से प्रभावित है। नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार सफलता अर्जित करके सरकार बनाएगी। धन्यवाद।